नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर, स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन ने $17,000 के ऊपर वापसी की, जो कि यूएस स्टॉक्स के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स ने एक लेबर मार्केट रिपोर्ट का जवाब दिया है जो जॉबलेस क्लेम्स में बढ़त दिखा रहा है, जो कि एक संभावित संकेत है कि फेडरल इंटरेस्ट रेट हाइक्स में बढ़ोतरी धीमी हो सकती है। सबसे बड़ी डिजिटल संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा पिछले दिनों यूएस इक्विटीज को नजदीक से फॉलो कर रहा था। वॉल स्ट्रीट के व्यापारी पिछले हफ्ते जॉबलेस बेनिफिट्स के लिए क्लेम फाइल करने वाले अमेरिकन्स को दिखाते हुए डेटा से खुश थे और अनएम्प्लॉयमेंट रोल 10 महीने के अंत में उच्च स्तर पर पहुंच गया। इकोनॉमिस्ट का सुझाव है कि कम अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो सकता है कि लोग अधिक खर्च कर रहे हैं, जिससे कीमतों में बढ़त हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ कीमतें बढ़ने की संभावना कम है, संक्षेप में इन्फ्लेशन नीचे आ रही होगी। S&P 500 0.75% बढ़कर 3,963.51 पर बंद हुआ था। अक्टूबर के बाद से इसकी सबसे बड़ी गिरावट की स्ट्रीक खत्म हुई, जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 183.56 पॉइंट या 0.55% बढ़कर 33,781.48 पर बंद हुआ, जबकि नास्डैक कंपोजिट 1.13% के उछाल के साथ 11,082 पर बंद हुआ। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 2.5% की छलांग के साथ $17,245 पर ट्रेड किया, जबकि इथेरियम ने उसी समय के दौरान 4.44% ऊपर जाते हुए $1,282 पर ट्रेड किया। इथेरियम डेवलपर्स ने निर्धारित किया है कि नेटवर्क का अगला हार्ड फोर्क, जिसे शंघाई कहा जाता है, मार्च 2023 में जारी किया जाएगा। इस अपग्रेड में EIP-4895 कोड शामिल होगा, जो बीकन चेन स्टेक्ड ईथर विड्रॉल्स की अनुमति देगा। डेवलपर शंघाई में EVM ऑब्जेक्ट फॉर्मेट इम्प्लीमेंटेशन को एड्रेस करने के लिए भी सहमत हुए हैं, जो EIP का एक कलेक्शन है जो इथेरियम वर्चुअल मशीन को अनिवार्य रूप से अपग्रेड करता है वह एनवायरनमेंट जिसमें इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। EIP-3540, EIP-3670, EIP-4200, EIP-4570 और EIP-5450 इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स हैं। मैराथन डिजिटल सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी माइनर्स में से एक ने ट्रिपल डेटा सेंटर कंप्यूट नॉर्थ होल्डिंग्स के लिए अपने जोखिम को स्पष्ट करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपर्ट्स को नियुक्त किया है। ऐसे में मैराथन इस एंटिटी का अधिग्रहण करने के बारे में पेशेवर सलाह भी लेगा। मैराथन डिजिटल लीडिंग एडवाइजरी फर्म्स के साथ चर्चा कर रहा है, जिसमें कंप्यूट नॉर्थ को एक अधिग्रहण सौदे की पेशकश करने के लिए गुगेनहाइम पार्टनर्स और व्हील गॉटरल और मैनेजर्स शामिल हैं। मैराथन ने पहले लगभग $80 मिलियन की डिस्ट्रेस्ड एंटिटी के लिए जोखिम का खुलासा किया था। कंप्यूट नॉर्थ उसके प्राथमिक होस्टिंग प्रदाताओं में से एक रहा है, जिसने अपनी विंड पावर टेक्सास फैसिलिटीज में 68,000 से ज्यादा माइनर के इक्विपमेंट इंस्टॉल किए हैं। क्रिप्टोकरेंसी की खरीद पर कथित रूप से फैंस को गुमराह करने के लिए यूएस जज ने किम कार्डशियन और फ्लॉयड मेवेदर के खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया है। दोनों हस्तियों पर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को धोखा देने और करेंसी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए ईमैक्स टोकन की खरीद को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यापक प्रशंसक आधार का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। इस तरह की तथाकथित पंप एंड डंप स्कीम्स में आर्टिफिशियली गलत जानकारी के प्रसार या इससे बचने से पहले प्रचार के जरिए करेंसी की कीमत बढ़ाना शामिल है। जनवरी में PA न्यूज एजेंसी द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि कंपनी इथेरियम मैक्स द्वारा बनाए गए ईमैक्स टोकन का मूल्य 2021 में कथित तौर पर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किए गए प्रमोशन की वजह से ऊपर गए थे। हांगकांग क्रिप्टोकरेंसी प्रोवाइडर्स को ट्रेडिशनल फाइनेंस फर्म्स के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंशियल लॉज के अधीन करेगा। लॉ में 5 दिसंबर के संशोधन के अनुसार टेरिटरी की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1 जून 2023 तक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग ऑर्डिनेंस में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को जोड़ने के लिए वोट किया। सितंबर 2021 में बहामास जाने से पहले हांगकांग में स्थित FTX के बंद होने के नतीजे हांगकांग की भविष्य की क्रिप्टो फ्रेंडली महत्वाकांक्षाओं पर संदेह पैदा करती है। नवंबर की शुरुआत में एक्सचेंज की विफलता से पहले टेरिटरी अपने सख्त नियमों को ढीला कर रहा था और ज्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहा था।
यूरोपियन कमीशन ने 8 दिसंबर को इरादे का खुलासा किया कि क्रिप्टोकरेंसी कंपनीज यूजर होल्डिंग्स के टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। यूरोपियन यूनियन बॉडी का दावा है कि ये अभी भी पता लगा रहा है कि ईयू के आउटसाइड बेस्ड एक्सचेंजेस या वॉलेट प्रोवाइडर्स के नियमों को कैसे लागू किया जाए। प्रस्तावित नए टैक्स रूल्स जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉर्पोरेशन पर 8th डायरेक्टिव या DAC 8 के रूप में जाना जाता है, जिसका एम टैक्स पेयर्स को अब्रॉड में क्रिप्टोकरेंसी स्टोर करके अरबों यूरो से बेचने से रोकना है। टैक्स प्लान के लिए ईयू के क्लाइंट्स के साथ किसी भी कंपनी को ब्लॉक के अंदर रजिस्टर और रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे सेक्टर में लॉजिस्टिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जहां कंपनियां बड़े पैमाने पर ऑनलाइन होती हैं और कभी कभी हेडक्वार्टर्स नहीं होने का दावा करती हैं। पेमेंट्स की दिग्गज कंपनी पेपैल लक्समबर्ग में कस्टमर्स को अपने अकाउंट्स में बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश खरीदने, बेचने और रखने की अनुमति देगा। कंपनी ने कहा, डिजिटल करेंसीज को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए पेपैल के मिशन में लक्समबर्ग को जोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम है। हम लक्समबर्ग में रेगुलेटर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलकर काम करना जारी रखने के लिए कमिटेड हैं ताकि ग्लोबल फाइनेंस और कॉमर्स के भविष्य में डिजिटल करेंसीज की भूमिका निभाने में सार्थक योगदान दिया जा सके। जून में कंपनी ने नए फीचर शुरू किए जिससे यूजर्स पेपैल और दूसरे वॉलेट्स के बीच क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टारबक्स ने गुरुवार को अपने हाईली एंटिसिपेटेड ओडिसी एक्सपीरियंस का बेटा टेस्ट शुरू किया, जो कस्टमर लॉयल्टी रिवॉर्ड्स को नॉन फंडेबल टोकन कलेक्ट करने और दूसरे गेमिफाइड एलिमेंट्स के साथ छोड़ता है। पॉपुलर कॉफी चेन ने अपने स्टारबक्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के लिए Web3 एक्सटेंशन को एम्प्लॉयज और कस्टमर्स सहित वेट लिस्ट मेंबर्स के एक छोटे ग्रुप के लिए खोल दिया, जिससे उन्हें इंटरैक्टिव जर्नीज में शामिल होने की अनुमति मिली जो पॉलीगॉन बेस्ड NFTs के रूप में जर्नी स्टैम्प्स अर्न करते हैं। इसके अलावा यूजर्स को ओडिसी पॉइंट्स भी मिलते हैं जो भविष्य में नए बेनिफिट्स और एक्सपीरियंसेस तक पहुंच प्रदान करेंगे, जिसमें वर्चुअल एक्सप्रेसो मार्टिनी मेकिंग क्लासेस, एक्सक्लूसिव इवेंट्स और स्टारबक्स रोस्टरीज और कॉफी फार्म्स की जर्नीज शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि वे जनवरी से शुरू होने वाली वेट लिस्ट पर दूसरों को मंथली इन्विटेशन भेजेगी। जिन मेंबर्स को बेटा लॉन्च के लिए इन्वाइट किया गया था, उनको भी निफ्टी गेटवे द्वारा संचालित स्टारबक्स ओटीसी मार्केट तक एक्सेस होगा, जहां यूजर्स अपने डिजिटल कलेक्टेबल स्टैम्प्स को खरीद और बेच सकते हैं। स्टारबक्स के अनुसार ओडिसी पार्टिसिपेंट्स बिना क्रिप्टो वॉल स्टारबक्स ओडिसी मार्केट की जरूरत के या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किए बिना सीधे क्रेडिट कार्ड से स्टैम्प्स खरीद सकते हैं। लीडिंग NFT मार्केटप्लेस OpenSea ने हाल ही में रॉयल्टी फीस पर कार्रवाई करते हुए एक टूल रिलीज किया है, जिसका इस्तेमाल क्रिएटर्स ये सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि नए लॉन्च किए गए NFT को उन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड नहीं किया जा सकता जो रॉयल्टी को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अप्रोच और इम्प्लीमेंटेशन सभी के साथ सही नहीं हुआ और अब OpenSea कुछ Web3 बिल्डर्स की शिकायत के बाद अपनी पॉलिसीज को फिर से बदल रहा है। ऐसे में एक ट्वीट थ्रेड में OpenSea ने NFT रॉयल्टी के लिए अपने खुद के अप्रोच के लिए कई ट्वीट्स का खुलासा किया, जिसमें क्रिएटर ओनरशिप रिसर्च इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन भी शामिल है, जो एक ऐसा ग्रुप है जो इथेरियम मार्केटप्लेसेस की लिस्ट के क्यूरेशन की देखरेख करेगा, जिसे ऑपरेटर फिल्टर टूल और साथ ही इसके डेवलपमेंट से संबंधित पॉलिसीज के रूप में जाना जाता है। CORI में निफ्टी गेटवे, ज़ोरा, मैनिफोल्ड, सुपर रेयर और फाउंडेशन के साथ साथ कई दूसरे NFT मार्केटप्लेसेस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर्स के साथ OpenSea भी शामिल है। फर्म्स एक मल्टी सिग्नेचर वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से ट्रांजैक्शन पर साइन करने के लिए एक से ज्यादा एक्टर की जरूरत होती है। 3 US लॉ मेकर्स ने एक बिल पेश किया जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को क्रिप्टो माइनिंग एक्टिविटी की स्टडी करने के लिए कहेगा, और ये जरूरी होगा कि 5 मेगावाट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले माइनर्स अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर इंफॉर्मेशन सबमिट करें। सेनेटर्स एड मार्की और जेफ मर्कले और रेप जेड हफमैन ने लेजिस्लेशन को स्पॉन्सर किया, जिसे क्रिप्टो एसेट एनवायरमेंटल ट्रांसपेरेंसी एक्ट करार दिया गया। लॉमेकर्स का कहना है कि US को 10 साल तक अपने सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए ओवरसाइट की जरूरत है, और इसे सियरा क्लब, अर्थ जस्टिस, एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप और सेनेका लेक गार्डियन द्वारा सपोर्ट किया गया। लॉमेकर्स ने कहा कि बिटकॉइन माइनिंग कार्बन एमिशंस 2022 में 21 से 35 मेगाटन तक पहुंच जाएगा, जो कि इस साल के लिए 4.5 मिलियन से 7.5 मिलियन कार्स को चलाने के बराबर है। अगर अप्रूव होगा तो कांग्रेस में कमिटीज को रिजल्ट्स दिए जाएंगे और साथ ही EPA और एनर्जी डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पर पब्लिक के लिए पोस्ट भी किए जाएंगे।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।